और हम ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों की शादी का राय दे रहा हूँ सर। हाँ डंडा चाहिए का? रुक जा यार, मड़वा गाड़ ले दे आओ। ले सर आप इधर आइए। ये लो ओ लड़के, आप इधर आइए, मैं तुम दोनों की शादी करा रहा हूँ। ठीक ठीक है। रघुकुल रीति सदा चली आई, पैसा लाओ पचौनी ले आई। शुक्रा जी, क्या हमेशा खाने पीने की बात किया करते हो? और कुछ तुम्हारे पास है? यही तुम्हारा मंत्र है? मैं तो उस लोग पढ़ रहा था, इस लोग पढ़ू। अर कारम जो फूटम सीमेंट मोरम, अधाई दो ईटा तो जुड़ जाए मोरम। हमेशा क्या कहीं खाने की बात, कहीं महल दुमहले बनाने की बात। सर देखिए, जिस तरीके सीमेंट मोरंग मिला करके ही रख दो, हमेशा के लिए मकान तैयार हो जाता है। उसी तरीके पति पत्नी का प्रेम सात भावरों के बाद में सात जन्मों तक बंध जाता है। ये मतलब ठीक है, कोई बात। एक पेड़ मऊहा एक पेड़ नीम, गिरगा मऊहा मरगा सा हकीम। जलेबी जलेबी का सिरा के ऊपर टिलटी लवा, ए राया की पिलिया हीरावनपुर का पीलावा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुजलम मलम कुंडरी का छमलम तनु हरि, गुसरा गुसरा गुरु साक्षात दसवाह नम। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुजलम मलम कुंडरी का छमलम तनु हरि, गुसरा गुसरा गुरु साक्षात दसवाह नम। ऐसा करिए, आप अपने जूते उतार दीजिए, वरना शादी के बाद जूते का नंबर आ सकता है, हैं? क्योंकि मेरी सब शादी हो रही थी, मैंने झाड़ू के फेरे लगा लिए। अब जब भी घर जाता हूँ पहले झाड़ू लगाता हूँ, झाड़ू नहीं लगाता हूँ तो बीबी की मार खाता हूँ। लेकिन हमारी जमाना तो नौकर बीबी का है, हम समझते हैं, हैं? लेकिन यहाँ कोई है तो नहीं हमारी साली वो जूता चुराएगी? क्या मतलब है, खास खास मतलब रखो तो नहीं उतारोगे? नहीं। ऐसा करिए, आप थोड़ा घूंघट काढ़ लीजिए। घूंघट एक बीता आठ अंगूर का होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा कम कर लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम लम जाम तनु हरि, घसरा घुसरा करो सा दसवा है नमा। ऐसा करिए, आप अपना दाहिना वाला हाथ लाइए, और आप भी अपना दाहिना वाला हाथ लाइए। इनकी शादी हो रही है, आप लोग तालियां बजाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बलम गाचा तनु हरि, घुसरा घुसरा गुरु साक्षात दसवाह नमा। ऐसा करिए, अब आप लोग कलशा में हाथ लगाइए। कहूं तान हाथ धरत जा सारे दो फूट तारेन घोच जाऊं। ओम श्री कलशाय नमः स्वाहा, ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा, ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहा। अब कलशा के बाद में गौर में हाथ लगाइए। अब कहाँ गाय का गोबर ढूंढो ससुर। ओम श्री गौराय नमः स्वाहा, ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा, ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहा। अब गौर के बाद में पहाटा में हाथ लगाइए। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब लीजिए, आप इनके मान लीजिए मांग में सिंदूर भर दीजिए। हाँ भाई भरो, हर चीज हम अहिन से पूछत, सुहाग रात को न पूछी वो भरक हाथ जन। हाँ ऐसा करिए सर जी, आप इनके पैर छू लीजिए, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। भगवान करे दूधन नहाए पूतन भरे, भगवान करे जुरीवा लड़िका हो। हवलदार यस सर, तुम जा करके नाश्ता करके आओ, हम कुछ बातें करना चाहते हैं। 100 रुपए दीजिए, का फोकट में शादी हो? मिल जाएगा भाई, अभी किराए का पंडित लाता ना तो अभी सामान लेते। अरे हम तुम साथी में तो हैं, पैसे क्या बात? साथी में है, औरत में नहीं साथी बनाओ। अरे साथी बनोगे? नो, मैं चल रहा हूँ सर। नहीं साथी बन जाओ। नो मैं जा रहा हूँ, होटल में नाश्ता करता हूँ,
आप थोड़ा भाभी जी से बातचीत कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम किरण है। किरण, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, आपने तो मुझे अपना लिया है, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं नहीं, ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचना। किरण, हमने तुम्हें अपना बनाया है और ये हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है किरण, क्या है? कुछ कहने को जी चाहता है। कहिए ना, क्या है, क्या कहना चाहते हैं?
परमेश्वर है स्वामी, मैं सारी जिंदगी आपकी एहसान मंद हूं, हमेशा आपके एहसान मानूंगी। हम समझते हैं। चलिए जी, मुझे अपना मकान दिखाइए। इन्हें यार गावत बजावत रही होगी, घर हो चली हो। हाँ हाँ चलो, आए रहो जग का पकड़े अब लाई चालू। कोई बात नहीं, मैं सात जन्मों तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। साहब घर चले। हाँ, तो फिर कहाँ कर रहे हैं? चलिए तेरे नाम गादी में। अबे नवा नवा बियाह किए ना, छह महीने बाद लू फंस लागी। आओ मकान चलते हैं। आओ चल, चलो चलो। तेरे नाम गादी में चाहिए अपने बेटे सूरज पास एक खत डालना चाहिए। बेटा सूरज, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिता का खून ठाकुर गरम सिंह का बेटा कुंवर सिंह ने कर दिया है और तुम्हारी बहन का कहीं उठा ले गया है। जिला जयपुर, पोस्ट सूरजगढ़, ग्राम चकपुरवा, आपकी मां तारावती।
नहीं। ये क्या है साहब, कोई लेटर आया है क्या? ऐसा लगता है किसी का खत आया हुआ है। किसका है साहब? देखिए तो किसका खाता है। ये जो हमारे यहाँ भर्ती हुआ है नवयुवक, यस सर, ये उसी का खत है। यानी सूरज का खत है? हाँ। हमने सोचा अकेले, चलो कोई तो उसको याद करने वाला है, क्या किया जाए सर? ठीक है, वो आता ही होगा सूरज। हाँ ठीक है सर, जैसा आप पहने तो मैं बुला लाऊं जाके। ठीक है, ठीक है। अरे वो आता ही होगा। ठीक है सर। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। तेरे नाम की चिट्ठी है, देख 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 इसमें क्या लिखा हुआ है। बेटा तुम्हारे से खुश हो। आगे समाचार यह है, ठाकुर करम सिंह आपके पिताजी का खून कर दिया है और उसका बेटा कुमार सिंह तेरी बहन को कहीं उठा ले गया। खत पाते ही तुम फौरन घर आ जाओ। आपकी माता तारा देवी चकपुरवा सूरतगढ़ जिला जयपुर। सर मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? जी हाँ, हम समझते हैं तुम्हारी तकलीफ को। तुम्हारे घर में जो हादसा हुआ है, कितने दिन की छुट्टी चाहिए? मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। ठीक है जाओ, हमारी तरफ से तुम्हें 10 दिन की छुट्टी है। सर जय हिंद। जय हिंद। हवलदार कहिए सर, तुमने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना, यानी सूरज की माँ का लेटर था। हाँ, हाँ, उसमें लिखा था कि उसके पिताजी का खून यानी ठाकुर करम सिंह ने कर दिया और उसकी बहन को कहीं उठा ले गया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय का? ये साले मेरे हलके में आते ही नहीं।
चलिए वरना इनकी ठकुराई हिरवा दूं मैं। तुम बिल्कुल ठीक करते हो। यस सर। आओ चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है सर, आइए चलते। चलो आइए। कमीने, तूने अच्छा नहीं किया है और यह समझ रहा है कि तूने मेरे पिताजी का गोली मार दिया है और तेरा बेटा कुमार सिंह मेरी बहन को कहीं उठा ले गया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा तेरी हवेली में। बेटा कुमार सिंह, जय पिताजी। की मोहलत मांगा था, एक हफ्ता गुजर गया। जी, या तो आज तारा हमारा रुपया देगी, नहीं आज के बाद हमेशा के लिए ठाकुर करम सिंह के नाम का उसके मकान में ताला लग जाएगा। और जो दो बीघे ऊसर खेती भी है ना उस कुर्मी की, जी, वो भी हमारे नाम करेगी आज वो। आओ चलते हैं। हाँ। चलो कुमार सिंह। जी पिताजी। लगता है हरामजादी पत वियोग में पत शोक मना रही है क्या? आवाज दे हरामजादी तारा को। ठीक है। अरे तारा, क्या बात ठाकुर साहब? क्या आपको मालूम नहीं है क्या बात है पिताजी? क्या काम साहब? मिलो तारा। बोलो साहब। तेरा पत क्या मर गया, ठाकुर का रुपया ही भूल गई क्या? नहीं साहब, मैं भूली नहीं हूँ, तुम्हारा रुपया दूंगी। कब? एक हफ्ते की मोहलत लिया था और एक हफ्ते गुजर गए, हमें हमारा रुपया चाहिए। साहब तुम्हारा रुपया मिल जाएगा, क्यों चिंता करते हो? अरे मिलेगा तो कब मिलेगा हमारा रुपया? हरामजादी बहाने पे बहाना बनाती जा रही है, और अगर चाहती अपना तो जीवन बचाना।
खेत चल के बैनामा करा लें क्या? तारा तू शायद भूल गई है, खेतों को भूल गया, तुझे शायद कुछ याद नहीं है। ओ तेरा घर द्वार सब नाम मेरे लिखा, तेरा घर द्वार सब नाम मेरे लिखा, कर दाया आज कर जा भलाई तेरी, अरे मार गोली तुझे और बेच मुल के अदम, ओ हराम तभी अपने आए लूंगी हरगी, मैं ठाकुर नहीं दूंगी कर्जा चुका घर ना करो तारा। ठाकुर साहब मैं तुम्हारा कर्जा दे दूंगी लेकिन घर से नहीं निकलूंगी, मेरे स्वामी घर नहीं बेचा है। अच्छा कुंवर सिंह जरा वो रजिस्टर लाओ जिससे मैं अंगूठा लगाया था इससे खसम ने। देख ये पूरा डाटा लिखा हुआ, तेरे पति ने इसमें अंगूठा निशान लगाया है, तेरे खेत और मकान पहले से ही तेरा खसम ठाकुर गरम सिंह और कुंवर सिंह के नाम पर गया है, और अगर जीवन और अपनी जिंदगी चाहती है तो ये मकान छोड़कर चली जा तारा। क्योंकि मैं ना सुनने का आदि नहीं हूं, निकल जा मकान छोड़कर के हराम जादी। देखा तेरे खसम ने अंगूठा निशान लगा रखा है, दफा हो जा यहां से। सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? ठाकुर साहब नहीं जाएगी तू, ठहरो कुंवर सिंह, साले लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे निर्दयी जुर्म इतना न कर। ठाकुर साहब हराम जादी शोर शराबा हमें पसंद नहीं है, और तू हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करती है हराम जादी, आज के बाद तेरा नाम और निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। कुंवर सिंह जय पिताजी, आज इसे तड़पने दो और कल सुबह इसके मकान में ताला लगा देना। जैसा और याद रखो चकपुरवा ग्राम के बासिंदो, जो भी ठाकुर से टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। चलो ठाकुर, कमीने आ रहा हूं कहां।